और ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मुश्तरका मफसल ने नई मर्दम शुमारी की मंजूरी दे दी है। CCI का आज अहम इजलास होने जा रहा था और अब यह खबर सामने आ रही है कि मुश्तरका मफदात काउंसिल ने नई मर्दम शुमारी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास डिजिटल मर्दम शुमारी के नतायज पर तबादला ख्याल हुआ। डिजिटल मर्दम शुमारी से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। आम इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताखीर का इम्कान हो सकता है। इजलास में तमाम सूबाई हुकूमतें डिजिटल मर्दमशुमारी के नतायज पर मौकफ पेश कर चुकी हैं। खबर सामने आ रही है कि CCI ने नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि मुश्तरका मफदात काउंसिल ने नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी है। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, जो इजलास इस वक्त बुलाया गया था और उसमें यही मुतवक्के थे कि जो मुश्तरका मफदात काउंसिल है उसकी नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी जाएगी, जी बताइएगा। यासिर, आप सुन सकते हैं? यासिर से रिकनेक्ट करके अपने नाज़रीन को मज़ीद भी बताएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास हुआ है और अपने नाज़रीन को एक बार फिर आपको बताते हैं, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से मुतालिक जहां पर लाहौर एयरपोर्ट उन्हें पहुंचाया जा रहा है और वहां से इस्लामाबाद उन्हें